आगे के नज़ारे कुछ ऐसे। बादल आ चुके हैं गहरे गहरे। सुबह भी मौसम बहुत खतरनाक था आज, फिर उसके बाद सूरज निकल आया था और उसके बाद अब फिर से बादल आने को हैं। और वहाँ पे वो दिख रहा होगा आपको टावर, पिछले वाले व्लॉग में दिखाया था, जो थकुर वाला व्लॉग था उसमें, और वहाँ पे भी है। तो अभी हम लोगों को यहाँ से पूरा होते हुए वो जो चट्टान है वहाँ पे, वो आखिरी में उसके नीचे जाना है। काफ़ी लंबा रास्ता है तो फटाफट कवर करेंगे। तो देख सकते हैं आप, रास्ते नहीं है बिल्कुल, पहाड़। यहां से अगर नीचे लुढ़क गए तो लुढ़क गए, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है 2 मिनट, आपको दिखाता हूँ। वो वहां ऊपर थकुर टॉप है, वहां से यहाँ से आके बस सभी यहाँ बैठे हैं। यहाँ से दिखाता हूँ नज़ारा। ये है रॉक फेस, इसको बोलते पत्थर, क्यों इसको बोलते हैं पत्थर। कम से कम 200-300 फीट का तो हो गई, क्यों 200-300 फीट से भी ज्यादा ही होगा। और वहां जो नीचे दिख रहा है ना, वहां से जाना है हमें उधर को। किसी को अगर आना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, कमेंट कर देना। ये है नजारे पहाड़ों के। तो बस फोटो शूट करने के बाद आगे निकल गए हैं हम। अब दिखाता हूँ कौन से वाले पत्थर पे फोटो शूट चल रहा था। ये देखो, ये है वो पत्थर। अभी जो मैंने पहले दिखाया था ना, उसको नीचे से भी दिखाता हूँ आगे जाके, वो वाला रॉक फेस दूसरा वाला। ये देखो, ये है पहाड़ और ये है रास्ते। इसमें हरापन सा दिख रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे पानी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी ज़मीन में ना, यहाँ वाली ज़मीन में थोड़ी सी नमी है। और यहाँ जब भी बर्फ़ गिरेगी, अब बर्फ़ लगभग यहाँ पर 1-2 महीने तक टिकती है पूरी। और बस इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म, अभी हम पहुँच गए हैं। देखो, जय हो भगवान, जय हो सिद्ध देवता। पानी देखो, जूते उतार लेते हैं। एक टेंपल यहाँ पे भी है छोटा सा, और ये है वो मंदिर। जय हो भगवान जी, हर हर महादेव। तो ये वाले मंदिर से जुड़ी हुई कुछ कहानियां भी प्रचलित हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो पुराने समय में साधु संत लोग होते थे, तो यहाँ पे सिद्ध महाराज जो एक संत थे, तो उनका ही ये टेंपल बनाया गया है यहाँ पे। और उनके बारे में ये बोला जाता है कि जो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो नौला है, तो वहाँ पे वो बोलते हैं जैसे एक घुटना है ना उनका घुटना, तो उन्होंने ऐसे रखा था, तो यहाँ पे ऐसा स्पेस बन गया था ये। तो तब से इसमें पानी का ये सोर्स है, मतलब पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे।
तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसे सिदैग नोए बोलते हैं। वैसे सिद्ध महाराज का टेंपल है तो सिद्ध का नोला भी बोलते हैं इसको। तो ये ऐसी कुछ कहानियाँ हैं, हर चीज़ से जुड़ी रहती हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ कहानियाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें जुड़ी ही रहती हैं। अब कितना ये भी सच है नहीं है वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ की ऐसी मान्यता है, ऐसा यहाँ पर हुआ था। तो उनके ही नाम पर बाद में ये मंदिर बनाया गया और आप देख सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें ना, अभी ये नेचुरल रिसोर्सेज है। अभी देखो ये पहाड़, कहीं से पानी कहीं 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 आ रहा होगा, रिस के वापस से यहाँ से जगह मिल रही है मतलब, तो वहाँ से यहाँ पे भरता है। अब यहाँ से फिर से ये ज़मीन के अंदर हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं निकल रहा होगा। तो ऐसी ही है ये। तो बस अभी हमने दर्शन वगैरह भी कर लिए हैं, तो अब फिर यहाँ से आगे बढ़ने की तैयारी भी करेंगे। आपको अगर आगे कुछ होता है दिखाने लायक तो दिखाता हूँ। आज दो मंदिर चले गए हम और दो जगह से आशीर्वाद ले लिया हमने। अब घर को निकल रहे हैं धीरे धीरे, और ये है भाई लोग भी चल रहे हैं पीछे से। तो अभी इस व्लॉग में इतना ही रखेंगे और आगे का सफ़र अब आपको दिखेगा थर्ड वाले पार्ट में। तो अब मिलेंगे आपको कौन से वाले पार्ट में? थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में।